नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा टैली ERP 9 में अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ कैसे करते हैं। फुल डिटेल में आपको मिलेगा आज। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था सामान को सेल कैसे करते हैं एंड परचेज कैसे करते हैं, आज मैं उस वीडियो को एक में ही निचोड़ में बताऊँगा, आपको मिक्स करके बता रहा हूँ। आपको डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आज तक आपको कुछ डिटेल बताई जाएगी। आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर पर, इंटर करना है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, मैंने हमें सबसे पहले क्या करना है, परचेज। परचेज का शॉर्ट होती क्या होता है, F9 होता है। यहाँ पे वन प्रेस करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमको यहाँ पे दिया है आपका नदीम, क्या दिया है, नईम दिया है। नईम में CD है और सर्विस SC है। SC से हमको सामान लेना है, ध्यान रहे आपको इंटर करते हुए जाना है। आपको इंटर करते करते आपको जाना है। अब यहाँ पर वाले की प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए हमने सामान ले रहा है, Nokia A40 ले रहा है। आपको इंटर करेंगे, कहाँ सामान ले रहा है, ये अहमद शॉप का कोई कंपनी मतलब शॉप है उसका मास्टर है। कितना पीस ले रहा हूँ, 5 पीस किया, 5 पीस करेंगे। यहाँ पे इंटर करेंगे तो कितना 11,000 के सामान पे कितना 5,500 का उसका हुआ। अब हमें इस पर टैक्स लगाना है। टैक्स लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे इनपुट बैड लगाना है। इनपुट बैड लगाने के बाद इंटर करेंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको करना है F5 पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए किसके द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक के द्वारा, जिसके द्वारा करना है वो इंटर करेंगे यहाँ पे। तो बड़ी बड़ी ये प्रेस करना है। सामान किससे लिया, सामान मैंने लिया सर्विस से, इंटर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे दिया 52,200, वो क्या करें इंटर करके हम सीधा कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें करना है F6 करना है। F8 से क्या हमारा होता है सेल करना, F6 से हमारा होता है रिसीव करना, पैसा लेना होता है, ठीक है। यहाँ वन प्रेस करके इंटर जब करेंगे यहाँ पे, यहाँ मिलेगा नदी नई मैस, इससे लेंगे नई से सामान हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इंटर करते हुए जाएंगे, इस बार इंटर करके क्या करेंगे, कंट्रा 4 नोकिया लेंगे हम। यहाँ से अहमद शॉप से सामान क्या करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। इधर क्या करेंगे यहाँ पर टैक्स लगा करके क्या करना है, इसको आपको आउटपुट टैक्स लगता है, ध्यान दें। इनपुट जब सामान हम खरीदते हैं इनपुट लगता है, जब सामान हम बेचते हैं तो क्या लगता है आपका, वो आउटपुट में आपका वो आता है, ठीक है, ये ध्यान दें आपको। इंटर करेंगे यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे 2,800 रुपये टैक्स लग गया, कंपनसेशन सेव कर देंगे, ठीक है। फिर आपका दिया यहाँ पे 6 जो हमारा होता है, ये हमारा होता है पैसा लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नईम से पैसा हम ले लेंगे 72,800, हम उससे पैसा ले लेंगे, बस इंटर करके हम सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने का सर्किट क्या होता है, Ctrl+A होता है, ध्यान रहे। अब आपको करना है जर्नल करना है, जो हमने टैक्स लगाया उसको कैसे करते हैं, उसका सर्किट क्या होता है, F7। F7 प्रेस करने के बाद आपको ध्यान रहे, आपको जाना है यहाँ पे, पहले सबसे पहले हम आउटपुट लेते हैं, इंटर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर दिया 2,800, इंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे इनपुट लेना है, इनपुट लेने के बाद आपको जाना है बैक, यहाँ पे करना है DR की जगह पे क्या करेंगे हम CR के एंटर करेंगे। पैसा कितना हमको देना है, 2,200 रुपया। जब DR करोगे तो यहाँ आपको बताएगा कितने रुपये देना है, ठीक है। 2,200 रुपये हमको देना है, के एंटर को पैसा देना, ध्यान रहे, ठीक है। तो को जाना है बैक, यहाँ करना है CR, एंटर करेंगे तो यहाँ पे 600 दिखा रहा हूँ, वो नहीं देना हमको, यहाँ पे 2,200 देना है, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे बैक टेबल, इंटर जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा बैलेंस सब पूरा आ जाएगा, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अब क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या करना है आपको, जो हमने टैक्स लगाया था बैक टेबल का, वो हम सरकार को पेमेंट कर देंगे। F5 करेंगे, बैंक के जरिए हम पेमेंट करेंगे, ध्यान रहे आपको बैक टेबल करना है। यहाँ पे 600 रुपये का करेंगे सरकार को हम पेमेंट कर देंगे, ओके। अब हमें जाना है बैक, हम बैलेंस शीट चेक करेंगे हमारा क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो बैलेंस शीट पे जाएंगे तो यहाँ आपको बताएगा अकाउंट आपका फ़ायदे में कि हानि में है, तो यहाँ बताएगा आपका नेट प्रॉफिट आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो आप लोगों ने सीखा अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ फुल डिटेल में कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।